अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ में आम के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये जो अचार है काफ़ी मज़े का बनता है और जी काफ़ी झटपट भी बन के तैयार हो जाता है। चलिए जी देखते हैं कि इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। जी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर सरसों ली है, इसको जो है ना अपन दाल कहते हैं। ये येलो कलर की दली हुई दाल होती है, देखें जी। और जी इसके अंदर जो मैंने ये आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये मैंने इसके अंदर जो है जी कलौंजी जो है वो हाफ टी स्पून के करीब मिक्स कर दी है दाल के अंदर। और जी मैंने यहाँ पे 50 ग्राम के करीब सौंफ ली है, मोटी वाली सौंफ ली है। और जी मैंने यहाँ पे जो है हाफ कप के करीब जो है अपना जीरा लिया है, शाह जीरा नहीं है, ये अपना दूसरा वाला जीरा है जो नॉर्मल जीरा होता है। और जी यहाँ पर जो है मैंने 1.25 kg करीब जो है अपना सरसों का ऑयल जो है वो गरम करके और उसमें से जो अपना धुआं निकलता है, हीट होता है, जो उसकी पूरी धुआं निकाल लिया ताकि उसकी जो तेजाई है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और जी मैंने यहाँ पे जो है एक लहसुन की बड़ी जो है वो अपनी कली ली है, जिसको भी जी मैंने तेल के अंदर जो है ना फ्राई कर लिया है। इससे क्या होता है, इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। और जी जब हम अपना अचार खाते हैं तो उसमें जब ये लहसुन आता है तो ये भी बिल्कुल अचार की मतलब अचार की तरह इसके अंदर भी फ्लेवर आता है जिस वक्त हम अपने अचार को खाते हैं, तो जी ये बहुत अच्छा लगता है। बाकी जी ये ऑप्शनल है, बहुत सारे लोग इसको अवॉइड भी करते हैं, लेकिन जी हमारे घर में जो है इसको इसी तरीके से तैयार किया जाता है। चलिए जी आगे देखते हैं कि कैरी को भी देखते हैं किस तरीके से मैंने कट किया है। सॉरी, मैं आपको दाल की क्वांटिटी बताना भूल गई थी। दाल मेरी जो है वो 250 ग्राम है। और देखें जी यहाँ पे मैंने जो है 5 kg जो है केरी ली है, मतलब अपनी जो मैंगोज होते हैं वो लिए हैं जी मैंने, अपनी जो केरीज होती हैं। ये देखें जी मैंने, मेरी केरी का साइज जो था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, तो जी मैंने इनको क्या किया है कि मैंने इनके इतने छोटे छोटे से पीसेस किए हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप इसके कितने बड़े पीसेस जो है वो पसंद करते हैं। और जी बहुत सारे लोग बड़े पीसेस भी करते हैं और बहुत सारे लोग जो है छोटे पीसेस पसंद करते हैं, जिस तरीके के मैंने किए हैं। और जी मैंने इसको जो है ना एक दिन पहले जो है नमक लगाकर और अपना क्या कहते हैं हल्दी लगाकर इसको पूरा मिक्स करके इसको जो है ना एक अपनी जो बन्नी थी उसके अंदर कंटेनर के अंदर मैंने रख दिया था। जब एक दिन के बाद इसमें हल्का सा जो उसे नमक और जो अपनी हल्दी थी और जो अपना केरी था उसका जो पूरा पानी था वो निकल गया था। देन मैंने इसको ड्रेन करके और इसको जो है ना एक कपड़े के ऊपर इस तरीके से मैंने जो है ना देखें जी दूर दूर करके थोड़ा सा इसको सुखाने के लिए रख दिया। तकरीबन मैंने इसको जो है ना 1 घंटे इस तरीके से सुखाया है। अगर आपके पास में धूप हो तो आप धूप में भी इसको रख सकते हैं तकरीबन 1.5 से 1.25 घंटे के लिए। और मैंने जी यहाँ पे जो है इसको घर में ही सुखाया है। चलें देखते हैं अब हमें और क्या क्या करना है। अब जी हम जो है अपनी सौंफ के अंदर अपना जीरा ऐड कर लेंगे और इसको जो है ना ग्राइंड कर लेंगे। पाउडर के फॉर्म में नहीं करना है, थोड़ा दरदरा करना है हमें ये। देखिए जी हमने इसको दरदरा ही ग्राइंड किया है जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब देखें जी हम इसको जो है ना अपनी राई के अंदर मिक्स कर देंगे और हम कुछ और जी एक बात का आप लोग ख्याल रखें कि अपने अचार में जो है नमक थोड़ा सा आप ज़्यादा ही रखें, उससे नमक जो है हमारा सॉरी अचार जो है हमारा ख़राब नहीं होता है और उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और जी आप चाहें तो अचार के अंदर, अगर आपका अचार जो है आपको लगता है कि ख़राब होता है तो आप उसके अंदर जो है एसिटिक एसिड जो है वो भी मिला सकते हैं। और जी मैं बहुत सारे लोग जो है विनेगर में बनाते हैं, जो अपना और जो अपना जामुन का सिरका आता है बहुत सारे लोग ऑयल की जगह उसको यूज करते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी खटास जो है वो बढ़ जाती है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑयल का ही अचार बना रही हूँ एंड मैं उसके अंदर जो है ना इसको सिर्फ मैं बहुत कम क्वांटिटी का डालूंगी अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो। अदरवाइज आप लोग अपने अचार के अंदर तेल कम यूज़ करें तो आप प्लीज़ एसिटिक एसिड का यूज़ करें ताकि इससे जो है ना शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। और जी मैं यहाँ पे तेल का ज़्यादा यूज कर रही हूँ इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। और जी यहाँ पे देखें मैंने जो नमक लिया है तकरीबन हमने देखें केरी में जिस वक्त केरी को अपना क्या था लगा के नमक और हल्दी रखा था उस वक्त भी मैंने नमक अच्छा खासा डाला था उसमें और हल्दी भी खूब डाली थी। और जी इस वक्त जो है मैंने तकरीबन 1/2 कप के करीब जो है इसके अंदर नमक मिलाया है। यहाँ पर देखिए जी मैंने एक स्टोव के ऊपर जो है गैस के ऊपर अपना जो है तवा गर्म होने के लिए रखा है। जी जब हमारा तवा जो है वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके ऊपर जो है अपनी हींग डाल देंगे तकरीबन 1
चम्मच है करीब। अब जी हम इसको क्या करेंगे, अपना जो ये जिस बर्तन के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर या फिर जिस बन्नी के अंदर आप लोग अपने अचार डालेंगे, हम उस बन्नी को जो है ना अपनी हींग के ऊपर जो है ना इसके ऊपर ना उल्टी कर देंगे, अदरवाइज ताकि उसमें जो है ना हींग की धुनी अच्छे से कोटेड हो जाए। देखें जी बिल्कुल इस तरीके से करना है, देखें धुआं आ रहा है मैं हींग में से। हम बिल्कुल इसी तरीके से जो है अपनी बन्नी को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से धुनी देना है। देखिए जी कंटेनर को धुनी देने के बाद मैंने इस तरीके से इसे पैक करके रख दिया ताकि इसकी जो धुनी है वो अच्छे से हींग की कंटेनर के अंदर चले जाए और ये जो है जी अच्छे से कोटेड हो जाए। देखिए जी तकरीबन मैंने हल्दी जो है इसमें 3 टीस्पून के करीब ली या फिर 1 टेबल स्पून भी अपन इसे कह सकते हैं। कम हल्दी इसलिए मैंने इसमें यूज़ की बिकॉज मैंने जो है अपनी केड़ियों में जब हमने उसको रखा था नमक के साथ में कोट करके, तो उस वक्त भी मैंने उसमें हल्दी का यूज़ किया था। दैट्स व्हाई मैंने इस वक्त जो है सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब ही जो है हल्दी का यूज़ किया। नमक का आप लोग खास कर ध्यान रखें, उसमें ज़्यादा नमक डालें। और जी यहाँ पर देखिए मैंने जो अपनी लाल मिर्च जो है, यहाँ पर मैंने एवरेज की लाल मिर्च यूज़ की है, तकरीबन ये मैंने जो है 1 कप के करीब ली है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब जी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जी यहाँ पर मैंने जो है 2 टीस्पून के करीब जो है मेथी दाने लिए हैं। आप मेथी दाने कम ही यूज़ करें बिकॉज इसकी करवाहट भी आती है, और अगर आप जो है सीड्स की जगह इसके पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ पाउडर जो है इससे थोड़ा कम ही डालें। देखिए हमने इसमें जो है अपने मसाले के अंदर थोड़ी सी केरी मिक्स कर ली है, अब हम इसके अंदर जो है अपना ऑयल डाल रहे हैं। मसाले में सिर्फ इतना ही ऑयल डालना है अपन को कि मसाला जो है हमारा वो थोड़ा सा गीला हो जाए। देखिए मैंने इसको पूरे केरियों को जो है मसाले के साथ पे मिक्स कर लिया और ये कुछ इस तरीके से जो है अच्छे से मसाले को कोट कर लिया है, हाथों से मिक्स करके अच्छे से इसको मैंने कोट कर लिया है 5 से 10 मिनट तक। तो ये अच्छे से कोट हो चुकी हैं, अब हम जो है इसे अपने कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए हम इसके अंदर जो है अपना ऑयल जो है वो ट्रांसफर कर देंगे पूरा। देखिए ये जो है हमने इसके अंदर ऑयल ट्रांसफर कर दिया है और ये जो है हमारा कुछ इस तरीके से अचार जो तैयार हुआ है। कुछ अचार जो है मैं इस तरीके से ऑयल वाला बना रही हूँ और कुछ अचार जो है मैं उसके अंदर एसिटिक एसिड मिक्स करके जो है सूखा अचार तैयार कर रही हूँ। देखिए जी कुछ इस तरीके से हमारा अचार जो है तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कुकिंग विद अर्शी को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से क्लिक करें। थैंक यू।